जिला कलेक्टर कार्यालय टीकमगढ़ में पेट्रोल डीजल के दामों में की गई वृद्धि को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शहर में साइकिल रैली निकालकर जिला कलेक्टर कार्यालय में पहुंचे और महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश में पिछले 15 दिनों के अंतराल में पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि की गई, जिससे आम जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बताते हुए यह भी कहा कि इस समय कोरोना संक्रमण महामारी की जनता त्रस्त है और वहीं प्रदेश सरकार ने पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के दामों में अधिक वृद्धि की है, जिससे बस मालिक, टैक्सी चालक और गरीब तबके के लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सरकार को इस कोरोना काल में पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि के वापस लेने की प्रशासन से अपील करते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेश यादव, पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह मुंदेला सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। डीजल और पेट्रोल की वृद्धि को लेकर क्या कहेंगे? पूरे देश में जो है कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर आज इस तरीके के ज्ञापन सौंपे गए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अगर कुछ पैसे हम लोग भाव बढ़ते थे अगर मनमोहन सिंह जी की सरकार में, तो बड़ा नाटक करते थे, चूड़ियां भेंट करते थे, खुद नरेंद्र मोदी जो है फालतू की बात करते थे। आज जो है 10 रुपये तक रेट बढ़ गए, 77 साल में इतने रेट नहीं हुए जितने रेट आज हैं। परिवहन सुविधाएँ पूरी तरीके से बंद हैं, क्योंकि बस मालिक कह रहे हैं कि हम लोग बस चलाने में अक्षम हैं और इतनी महंगाई में हम बसें नहीं चला सकते। सरकार के सरकार के कान पर जू नहीं रह रहा है इस सब के बावजूद भी, और निरंतर महंगाई बढ़ती चली जा रही है। केवल जो है डीजल से सरकार कमाई का साधन बना रही है, शराब से कमाई का साधन बना रही है। ऐसी सरकार के खिलाफ हम लोग आज ज्ञापन दे रहे हैं। जहाँ एक और कोरोना है, कोरोना से हमारे अधिकारी कर्मचारी बड़े अच्छे से लड़ रहे थे, दूसरी तरफ जो है इन्हें ट्रांसफ़र उद्योग खोल दिया। हमारे यहाँ अगर 2-4 ट्रांसफ़र भी होते थे कमलनाथ की सरकार में, तो उस समय जो है ट्रांसफ़र उद्योग कहलाता था। आज जो है एक अधिकारी ऐसा नहीं है जिसका ट्रांसफ़र नहीं हो गया, और वो अधिकारी जिनको भ्रष्टाचार के आरोप में यहाँ से हटाया गया था, वही अधिकारी फिर वापस आ रहे हैं। इसलिए ये सारी बातें आप स्पष्ट रूप से समझ लोगे, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अखंड जो है डूबे हुए हैं। इन्हें मालूम है कि उपचुनाव के बाद इनकी सरकार नहीं रहनी है, इसलिए ये लूट खसोट में लगे हुए हैं और जनता परेशानी भोग रही है। उसी के संबंध में आज ज्ञापन दे रहे हैं। देखा गया मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा डीजल पेट्रोल रेट चल रहा है, जबकि अंदाजों में इतना नहीं। आज हम पढ़ रहे थे एक पोस्ट, उसमें तो लिखा है कि देश में पहली बार कुछ राज्यों में डीजल के भाव पेट्रोल से ऊपर है। डीजल के भाव अगर बढ़ रहे हैं तो इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है गरीब आदमी के ऊपर, किसान के ऊपर, गरीब आदमी जो बसों से परिवहन करता है उसके ऊपर। तो मैं समझता हूं कि डीजल का भाव बढ़ना निश्चित रूप से किसान के ऊपर कुठाराघात है, बड़े आदमी के ऊपर नहीं है। तो किसान के ऊपर ये सरकार जो है कुठाराघात कर रही है और किसान की रीढ़ तोड़ने की कोशिश कर रही है। देखा गया कि कई राज्यों में जो अभी लॉकडाउन के दौरान शराब के ऊपर तो छोड़ने के लिए तैयार है, बसों के ऊपर क्यों नहीं? बसों का परिवहन तो सीधा जो है आम गरीब आदमी से जुड़ा हुआ है, जो कार से नहीं चल सकते, जो मोटरसाइकिल से नहीं चल सकते, जो हवाई जहाज से नहीं चल सकते, वो जो है बसों से चलते हैं। उनका अगर किराया बढ़ रहा है या उनको जो है परिवहन की अनुमति नहीं मिल रही है, उनके ऊपर टैक्स बढ़ाए चला जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये तो गरीबों के ऊपर सीधी सीधी मार है और गरीबों को सताने का कार्यक्रम चल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।